पैसा न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अशोक अज्ञानी जी, जो अज्ञानी तो अपने नाम के आगे लगाते हैं पर ज्ञान की सारी बातें करते हैं और बहुत सारे बहुत मंचों को साझा करते हैं। और पूरे देश के अंदर अगर कोई भी समाज के ऊपर बात उठती है, उंगली उठती है, तो सबसे पहले उन बातों को जाके उनके ऊपर आवाज उठाते हैं। अज्ञानी जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है एसएम न्यूज़ में। धन्यवाद। अज्ञानी जी, एक बात बताइए, सबरीमाला करके जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर बताते हैं 800 साल तक आज तक कोई महिला नहीं गई, लेकिन मैं आज का अखबार पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि उसमें महिला चली गई है। तो अभी कौन सा अनर्थ हो गया महिला के जाने से, और क्यों नहीं मंदिर में जाने दिया जाता था महिलाओं को, उसके बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, आज सबसे पहले तो महान दिन है, आज 3 जनवरी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का आज जन्म दिवस है, देश को उसकी जन्म दिवस की मुबारक शुभकामनाएं। और दूसरा, ये सबसे बड़ा आज काम हुआ है आज के ऐतिहासिक इस दिन में, कि महिलाओं ने जो परंपरा इतने वर्षों से जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जिनको कि मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, जिनको कोई अधिकार मानवीय अधिकार थे ही नहीं, और जिनको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में इतने सारे अधिकार दिए, और उसमें आर्टिकल 14 और 15 में स्पष्ट रूप से लिखा है, खासतौर पे आर्टिकल 15 में, कि किसी दुकान में, किसी मंदिर में, किसी जगह पर आप किसी नागरिक को रोक नहीं सकते हैं, ये उसका संविधानिक अधिकार है, हर जगह जाना है, और कोई अगर रोकता है तो वो संविधान के विरुद्ध है। अब आप ये देखिए कि वो संविधान को लागू हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर आज़ादी से पहले जब उन्होंने काला राम मंदिर नासिक में जब उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था दलितों को मंदिर प्रवेश का, जो आंदोलन था उनका, तो उन्होंने यही कहा था कि ये इनका मानवीय अधिकार है, ये इंसान है, और इनको आप अछूत बता करके, आप जाति के नाम पर और अपमानित करके इनको मंदिरों में नहीं जाने दे रहे हैं, इनको रास्ते से निकलने नहीं देते हैं, आप इनकी परछाई को देख करके 50 बार नहाते हैं, ये बिल्कुल इंसानियत और कुदरत के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है। तो उन्होंने आंदोलन चलाया, और आज रिपीट वही आंदोलन जो महिलाएं पिछले कई वर्षों से लड़ रही थी। और आज एक बहुत खुशी की बात है कि केरल का जो सबरीमाला मंदिर है उसमें एंट्री हो गई है, महिलाएं ने हिम्मत करके उसमें एंट्री की है, कोई अनर्थ होने वाला नहीं है, जो आपने कहा ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो आधी आबादी इस देश की जो महिलाएं हैं, जो जिनको कि उनका अधिकार मिलना चाहिए था हर जगह जाने का, मंदिर में जाने का, और उसको नहीं मिल रहा था, आज उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा। और सबसे एक ऐतिहासिक बात ये भी है और बड़ी अजीब बात भी है, क्योंकि वो पिछले 1955 से जब यहाँ पहला सरकार बनी वहाँ पे केरल में, कम्युनिस्ट सरकार बनी, और बीच बीच में 5 साल कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार रहती हैं, मगर वहाँ महिलाएं मंदिर में नहीं जाती हैं, बड़ी अजीब बात है। उनको लेफ्ट की जो एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी विचारधारा की सरकारें हैं, और उनको वहाँ मंदिर में जाने में इतने वर्ष लग गए महिलाओं को, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और दूसरी बात ये है कि जितने भगवान अवतार इस धरती पर पैदा हुए हैं सब और महिलाओं की मार्फत पैदा हुए हैं, महिलाओं ने पैदा करे हैं, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हों, चाहे वो इमाम साहब हों, चाहे वो राम जी हों, चाहे श्याम जी हों, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े विष्णु भगवान जितने भी हों, तमाम जितने भी अवतार इस धरती पर हुए जो भगवान है आज, वो सब महिलाओं के कोख से, उन्होंने पेट से जन्म लिया है, उनका दूध पिया है, और उन्होंने उनकी सेवा करके बच्चों को बड़ा करा है, माँ का जो फर्ज होता है। अब माँ को आप उस मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो, माँ को बेटे के मंदिर में नहीं जा रहे हो, तो कितनी अफसोस की बात है। और माँ का उस मंदिर में जाने से कैसे वो अनर्थ हो सकता है, एक वो बहन भी है, वो पत्नी भी है, महिला माँ भी है, और उसको आप मंदिर में नहीं जाने दे रहे हो या किसी तीर्थ स्थल में नहीं जाने दे रहे हो। तो मैं ये आज बड़ी बहुत खुशी की बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि महिलाओं को आज मंदिर में जाने का मौका मिला। जिस तरीके से दलितों को, अनुसूचित जाति जनजातियों को आज भी आज़ादी के 72 साल बाद भी, संविधान लागू होने के बावजूद भी, कायदा कानून होने के बावजूद भी, इस देश के राष्ट्रपति को, प्रथम नागरिक को वहाँ पर रोक दिया जाता है उसके ब्रह्मा के मंदिर में जाने से पुष्कर में, और सड़क वहाँ पर सीढ़ियों पर बिठा करके पूजा करवाई जाती है, साउथ के एक टेम्पल से उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इन महिलाओं को, क्रांतिकारी महिलाओं को मैं सैल्यूट करता हूँ और पूरा आश्वासन दिलाते हैं, हम पूरी ताकत से उनके साथ खड़े हैं, और ये मूवमेंट चलेगा पूरे देश में, जितने मंदिर हैं, जितने भी ये धार्मिक तीर्थ हैं, इसमें एक एक आदमी को जाने का अधिकार है। और दूसरा, हमने अब ये मूवमेंट जो हमने शुरू की है, इस मूवमेंट में हमारा ये भी एक एजेंडा है,
कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बता के गए थे कि भैया ये जो पुरोहित हैं ये पुरोहित जाति से नहीं होने चाहिए, इसके लिए पूरा एक सिलेबस हो, कोर्स हो, हम यूनिवर्सिटियों में उस कोर्स को लागू करवाने की मांग कर रहे हैं कि भैया जो पुरोहितगिरी का वहाँ पर पास करे वो भी स्नातक की डिग्री होगी उसको पास करे 3 साल कोर्स करके, और जो पास होगा और सरकार बकायदा उन मंदिरों में पोस्ट निकाले क्रिएट करे, स्टेट के तरफ से वहाँ पर पुरोहित भर्ती होने चाहिए जो एलिजिबल पुरोहित हैं जिन्होंने वो अपना डिग्री पास ली हो वही लोग जाएं। ये तो एक एक जन्मजात एक चली आ रही है एक जाति की एक, और उसमें जाति में भी बहुत सारे ये उच्च जाति है उच्च कोटीय ब्राह्मण हैं जो इन्होंने कब्जे करे हुए हैं, तो इन कब्जों को तोड़ना होगा और ये मूवमेंट ज़्यादा तेजी के साथ चलना है, दलितों को महिलाओं के साथ मिलकर, आदिवासियों को महिलाओं के साथ मिलकर ताकत के साथ अब ये पूरे मंदिरों में घुसना जाने की ये परंपरा ये शुरू करनी पड़ेगी, एक लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और आप ये देखिए 800 साल ये जितने भी मनुवादी हैं ये मुगल पीरियड को मुस्लिमों को ये टारगेट करते हैं, जबकि उनको 1100-1200 साल पहले वो यहाँ पर आए थे, कोई 1100 के ईस्वी में आए थे यहाँ पर, छठी ईस्वी में पहला आया था मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद 9वीं और 10वीं ईस्वी में यहाँ पर बाबर आए थे, तो उसके बावजूद अभी तो 800 साल का मतलब ये है कि मुगल साम्राज्य को भी 300-400 साल हो गए थे इस धरती पर, उसके बावजूद इनके ये मंदिर ये इनके मनुवादी व्यवस्था ये कायम रही, तो ये मुगलों को भी चाहिए था कि इनको तोड़ना चाहिए था और उन्होंने नहीं तोड़ा, और ये उनको कहते हैं मुगलों को कि भाई इन्होंने मुस्लिम धर्म फैला दिया यहाँ पर, ये कर दिया तो तुम कैसे बच गए भाई, तो ये इस तरह से मुगलों को भी ये पीरियड के सब कहानियाँ हैं, तो उन मुगलों के पीरियड में हमें ये दुख है कि मुगल जो साम्राज्य था इतना बड़े साम्राज्य था तो इन व्यवस्थाओं को तोड़ना चाहिए था उस वक्त, लेकिन कोई बात नहीं अब आए हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो लड़ाई पीछे छूट गई थी जो मंदिरों में प्रवेश की, क्योंकि उनको पूरे देश को देखना था, पूरा संविधान बनाना था और अपने अनुसूचित जाति जनजाति के जो कानूनी लड़ाई के लिए ज़्यादा उनकी तरफ था, तो उन्होंने एक शुरुआत करके छोड़ दी थी वो कालाराम मंदिर की लड़ाई को, अब ये आगे बढ़ रही है और इस मंदिर में हम पूरी तरीके से इस मूवमेंट में महिलाओं के साथ हैं, क्योंकि ये प्रकृति है और यहाँ पर जो भी चीज़ें बनी है वो सबके लिए हैं, तो इसमें भगवान का कोई अहित होने वाला नहीं है, प्रकृति का कोई अहित होने वाला नहीं है, और अगर ये डूबेगी दुनिया तो ये ग्लोबल वार्मिंग से डूबेगी, प्रदूषण से डूबेगी, ये जो बेवजह गैर कानूनी जो विकास हो रहा है, जो ये पेड़ पौधे काट रहे हैं अपने मुनाफे के लिए, जो जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, ये कृषि योग्य भूमि ख़त्म कर रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, ये समुद्र को ख़त्म कर रहे हैं, तो उसकी वजह से धरती डूबेगी, इस वजह से नहीं डूबेगी दलित और महिलाएं मंदिरों में प्रवेश कर रही हैं या कोई पूजा अर्चना कर रही हैं, इस वजह से नहीं डूबेंगी। लेकिन मैं अपनी महिलाओं बहनों से और अपने अनुसूचित जाति समाज से सबसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, जो बाबा साहब ने कही थी कालाराम मंदिर प्रवेश के दौरान, जब इतने संघर्ष के बाद, लाठियां पड़ने के बाद, सब कुछ होने के बाद जब प्रशासन आया और उन्होंने उनको मंदिर प्रवेश कराया तो बाबा साहब गेट पे खड़े हो गए और उनको पहले उनको कहा, उनको अपने जो सारे दलित भाइयों को उन्होंने एड्रेस किया, उनको कहा कि ये जो मंदिर प्रवेश का संघर्ष मैंने किया है ये इसलिए नहीं किया कि ये तुम्हारी कोई आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए, ये तुम्हारे मानवीय अधिकार के लिए मैंने संघर्ष किया है, तुम किसी पूजा पाठ में मत डूब जाना, इसी आडंबर में मत डूब जाना, ये मैंने तुम्हें इसलिए अंदर प्रवेश करवाया कि तुम यहाँ पर आके तो तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी बराबर का अधिकार है इन मंदिरों में जाने का, पानी पीने का, तालाबों पे जाने का, इस प्रकृति की एक एक चीज को आपको उपभोग करने का आपका हक है जो कुदरत ने दिया है, तो वो मेरी लड़ाई है। तो आज मैं उन बहनों को वही बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब की इस बात को याद रखना कि आप मंदिर में तो घुस गई हैं और सभी मंदिरों में घुसेंगे, हम सब मिलके घुसेंगे, लेकिन वहां जाकर के उस आध्यात्मिकता में मत डूब जाना, उस पूजा आडंबर में मत डूब जाना कि जो जिससे कि आप अपने संघर्ष को भूल करके और आप भक्तिमय हो जाएं, और जो संघर्ष छूट गया है हमारे संवैधानिक अधिकारों का संघर्ष, हमारे मानवीय अधिकारों का संघर्ष, वो कहीं छूट जाए, तो ये मेरा कहना। आप थे हमारे साथ अशोक अज्ञानी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको संवैधानिक अधिकार दिए हैं, सबको बराबर के अधिकार दिए हैं, और ख़ास तौर से उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बाबा साहब ने अपने संविधान के अंदर दी है, तो मंदिर जाने से कोई प्रलय नहीं आने वाली है, वो संवैधानिक अधिकार है, महिलाओं को भी उतना अधिकार है जितना पुरुषों को है।